नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, खबरों सबसे पहले छत्तीसगढ़ से देखेंगे। छत्तीसगढ़ में सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा और सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए ये प्राधिकरण काम करेगा। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, नई सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, किसानों को सिंचाई के लिए योजनाओं का तमाम लाभ भी मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया है, तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो योजनाओं का भरपूर लाभ किसानों को मिलेगा। सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए काम करेगा ये गठन। प्राधिकरण नई सिंचाई योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात का ऐलान किया है। तो इस योजना से भरपूर सिंचाई के लिए किसानों को लाभ मिलेगा, बड़ी खबर रायपुर से इस वक्त बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को सिंचाई सुविधाओं का भरपूर लाभ मिल सके और इसके लिए राज्य में सिंचाई विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। प्राधिकरण राज्य में वास्तविक सिंचाई क्षमता के विस्तार के साथ ही नई सिंचाई योजनाओं के निर्माण की कार्य योजना बनाएगा ताकि प्रदेश के किसानों को उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इसके लिए छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम को ही सिंचाई विकास प्राधिकरण के परिवर्तित किया जाएगा। राज्य में वर्तमान में वास्तविक सिंचाई क्षमता 10.38 लाख हेक्टेयर है, जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 18% है।